नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। जो पीएच मीटर है उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, मैं यहां आपको प्रूफ के साथ यहां जो कैलिब्रेशन रिकॉर्ड है वो यहां आपको दिखा देता हूं। और एक क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है ये कैलिब्रेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वहाँ यूज होता है, और वहाँ आपको कैलिब्रेशन पीएच मीटर का करना होता है। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि जो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका मेक है दोस्तों मेडलर टोलिडो और मॉडल है 7XLens। तो ये यहाँ सीरियल नंबर है, डेट है, पीएच है, ठीक है, पीएच बफर का जो पीएच है अलग अलग पीएच है, जैसे 1.68 है, 4.01 है, 6.86 है, 9.18 है, 12.45 है, ठीक है, स्लोप है, लिमिट है उसकी स्लोप की 90% टू 105%। फिर आता है ऑफसेट वैल्यू, उसकी लिमिट है प्लस माइनस 30 MV। और वेरिफिकेशन बफर पीएच है 4.01, लिमिट है प्लस माइनस 0.5। कैलिब्रेशन किसने किया और किसने चेक किया, ये सभी पॉइंट्स है जो हमको कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड है उसमें कवर करने होते हैं। तो ये सभी यहाँ हमने लिया हुआ है और शुरू करते हैं। तो कमर्शियली प्रिपेयर्ड बफर सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर कैलिब्रेशन पर्पस, हमको कैलिब्रेशन के लिए बफर सॉल्यूशन बनाना है। ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन पोरिंग अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ बफर सॉल्यूशन इनटू अ क्लीन बीकर्स और टेस्ट ट्यूब। स्विच ऑन द पीएच मीटर एंड सेलेक्ट द करेक्ट बफर ग्रुप और बफर वैल्यूज फॉर द कैलिब्रेशन। दैट इज पीएच है 1.68, जो ऊपर यहाँ पीएच दिखाई है 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 एंड 12.45 बफर सॉल्यूशन, एंड फॉलो द प्रोसीजर टू कैलिब्रेट द पीएच मीटर। फॉर एनी मेजरमेंट ऑफ पीएच कंडक्टिविटी रीड्स द इलेक्ट्रोड विद द प्यूरिफाइड वाटर और मिलीक्यू एंड डीप इनटू द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। आपको जब भी मेजरमेंट करना है, कंडक्टिविटी करना है, तो इलेक्ट्रोड को रीड्स करना है प्यूरिफाइड वाटर से या मिलीक्यू से डीप इनटू द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। टैप रीड ऑन द स्क्रीन एंड इफ एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएच देन एडजस्ट द पीएच बिफोर स्टेबलाइजेशन। चेक द स्लोप एंड ऑफसेट वैल्यू डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द बफर सॉल्यूशन। वॉश विथ प्यूरिफाइड वाटर और मिलीक्यू वाटर। रिंस द इलेक्ट्रोड, ये सभी प्रोसीजर हमको फॉलो करनी है। रिंस द इलेक्ट्रोड विथ द वाटर एंड इमर्स इन अ बफर 4.01, जिसकी पीएच हो 4.01, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ पीएच एट अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। द पीएच रीडिंग शैल बी विद इन 4.01 प्लस माइनस 0.05। इलेक्ट्रोड रीडिंग्स करना है, पीएच हो गया जिसका 4.01, टेम्परेचर होना चाहिए 25 पे। रिकॉर्ड द कैलिब्रेशन मेजरमेंट। मेक श्योर दैट द बफर सॉल्यूशन आर यूज इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द कैलिब्रेशन अनलेस द पीएच मीटर हैज ऑटो बफर रिकॉग्निशन। जो ऑर्डर दिया है पीएच का, बफर सॉल्यूशन का पीएच के हिसाब से, वो आपको करेक्ट फॉलो करना है। नहीं तो क्या होना चाहिए कि पीएच मीटर में ऑटो बफर रिकॉग्निशन होना चाहिए। रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसी नोटेड एट द टाइम ऑफ कैलिब्रेशन टू सेक्शन इंचार्ज और हेड। जो भी आपका हेड है उनको अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आती है तो वो इन्फॉर्म करना है। द पीएच इलेक्ट्रोड शुड बी इमर्स एंड स्टोर इन 3 MKCl व्हेन नॉट इन यूज और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड। नो नीड फॉर स्टोर इन एनी सोल्यूशन।
अगर आपका इलेक्ट्रोड यूज में नहीं है तो आपको 3M KCL में डीप करके रखना है। प्रिपरेशन ऑफ 3M KCL पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन 74.55 ग्राम पर लीटर। रिफिल द इलेक्ट्रोड बाय 3M KCL एज पर रिक्वायरमेंट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है स्लोप वैल्यू शुड बी बिटवीन 90 to 105% एंड ऑफसेट वैल्यू शुड बी बिटवीन +30 mV टू -30 mV। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन है वंस इन अ डे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन है वंस इन अ डे आफ्टर ईच कैलिब्रेशन। फ्रीक्वेंसी फॉर चेंज द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओरिजिनल कंटेनर टू द टेस्ट ट्यूब और बॉटल्स वंस इन अ वीक और हाउएवर या व्हेन एवर ऑब्जर्व एनी हैजिनेस। तो प्रिकॉशन क्या लेना है इसमें? नेवर वर्क इन एनवायरमेंट सब्जेक्टेड टू एक्सप्लोजन हजार्ड। बिफोर यूजिंग द बफर सॉल्यूशन ऑलवेज चेक द पीएच एक्यूरेसी। हैंडल द इलेक्ट्रोड केयरफुली। आपको इलेक्ट्रोड को केयरफुली हैंडल करना है। डू नॉट टच द टिप ऑफ द ग्लास बल्ब ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लीन द इलेक्ट्रोड आफ्टर ईच मेजरमेंट विद प्यूरिफाइड वाटर या मिल्क्यूब वाटर। व्हेन यूजिंग द केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड जनरल लैब सेफ्टी रूल्स। एनी स्पिलेज शुड बी वाइप ऑफ इमिडिएटली एज सून एज सम सॉल्वेंट्स माइट कॉज कोरोजन ऑफ द पीएच मीटर हाउसिंग। अवॉइड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। पावरफुल वाइब्रेशन, डायरेक्ट सनलाइट, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी ग्रेटर दैन 80%, कोरोजिव गैस एटमोस्फियर, टेम्परेचर बिलो द 10 डिग्री और अबो द 60 डिग्री, पावरफुल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच रिफिलिंग इलेक्ट्रोड, कैलिब्रेट द सेम। तो ये सभी प्रिकॉशंस हमको करने हैं। तो ये था दोस्तों कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। तो ये सभी क्वालिटी कंट्रोल में जो पर्सन्स वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जो डेली पीएच मीटर, उनको पीएच मीटर के साथ काम करना पड़ता है, बफर का पीएच चेक करना पड़ता है, तो उनके लिए ये कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर था। और इनकी क्या क्या पीएच के बफर बनाने पड़ते हैं, ऑफसेट वैल्यू क्या होती है, स्लोप क्या होती है लिमिट, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सभी मैंने कवर किया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।